और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश की गई है। आर्थिक सर्वे के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था 2023 और साल 2024 में 6.5% रहने का अनुमान है। वहीं चालू वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ 7% रहेगी। पिछले वित्त वर्ष में वृद्धि दर 8.7% रही थी। कल संसद में आम बजट पेश किया जाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल आम बजट पेश करेंगे, जिससे तमाम वर्गों और लोगों को उम्मीदें हैं कि इस बजट में उनके लिए कुछ ना कुछ होगा। जम्मू में अधिकतर टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग भी इस आम बजट से कई उम्मीदें लगाए बैठे हैं। न्यूज 18 की टीम ने जम्मू के दुकानदारों और ऐसे कई अन्य टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों से बातचीत की है। कल वित्त मंत्री देश का 2023-24 का जो बजट है वो पेश करेंगी। उससे पहले हम जम्मू की लाइफलाइन जाने जाने वाले विश्वविख्यात रघुनाथ बाजार में मौजूद हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं, जो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं या कई अन्य जगहों के लिए आते हैं। इन लोगों को क्या उम्मीद है, क्योंकि यही ड्राई फ्रूट की मार्केट्स हैं, शॉल की मार्केट्स हैं और तमाम उन चीजों की मार्केट है जहां पे श्रद्धालु काफी संख्या में पहुंचते हैं। इन लोगों को बजट से क्या उम्मीद है, ये इनसे जानेंगे हम। देखिए, बहुत बेसब्री से इंतजार है माननीय सीतारमण जी कल बजट पेश करेंगे, तो बहुत सारी उम्मीदें हैं। क्योंकि देखिए, पिछले 4-5 साल से हमारा जो टूरिज्म है वो बहुत ही डी ग्रोथ में जा रहा है। उसका सीधा सीधा एक प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं टूरिज्म एज ए टूरिज्म फेडरेटी, कि हमारे जितने भी यहाँ प्रोजेक्ट्स हैं वो सब भी आधे रास्ते में लटके हुए हैं। तो मैं ये आग्रह करना चाहूंगा कि इन प्रोजेक्ट्स के लिए अलग से पैसा दिया जाए, ताकि जम्मू, खास करके जम्मू की बात करूं, जम्मू में जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको डेवलप किया जाए और आने वाले दिनों में जम्मू में टूरिज्म का फ्लो जो है वो अच्छा हुआ है। जो ये ड्यूटीज हैं, टैक्स हैं, ये भी किसी किसी चीजों पे कम हो जाएंगे, ताकि ये टूरिस्ट हैं यहाँ पे आए बड़ी संख्या में खरीद पाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे जम्मू में जितने भी बाहर से लोग आते हैं ज्यादा पिलग्रिमेज है। और जम्मू में कि जैसे हमने पिछले साल देखा कि हेल्थ सेक्टर को और एजुकेशन सेक्टर को और एग्रीकल्चर सेक्टर को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया गया, उसी तरह मैं चाहता हूं कि टूरिज्म सेक्टर को भी बढ़ावा दिया जाए। और जितने भी टैक्सेस लाइक जैसे जीएसटी है, इंडस्ट्रियल रेट में इलेक्ट्रिसिटी हो गई, सॉफ्ट लोन के तौर पर लोगों को या होटलियर्स को पैसा देना, ये सब स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि जम्मू के लोग भी जो है वो सेंटर के साथ कदम से कदम मिला के चल सके। और जैसे कि हम जानते हैं कि देश हमारा तरक्की कर रहा है और जम्मू के लोग भी वैसे तरक्की कर रहे हैं। क्या उम्मीदें हैं कि क्या कुछ होना चाहिए ताकि यहाँ पे जो टूरिज्म है वो उसको भी प्रमोशन मिले और यहाँ का जो बिजनेस है वो भी चले। सर, थैंक यू आपके इंटरव्यू के लिए, बट मैं यही चीज रिक्वेस्ट करूंगा यूनियन गवर्नमेंट से कि जो जम्मू, स्पेशली जम्मू प्रोविंस है, उसको लुक आफ्टर किया जाए और उसमें थोड़ा सा बजट बनाया जाके टूरिस्ट का जो इनफ्लो है वो बढ़े। क्योंकि जो ओवर द लास्ट 10 और 20 ईयर से जो जम्मू को टोटली निगलेक्ट किया जा रहा है, पूरा टूरिज्म जो है कश्मीर में जा रहा है। तो आपने रिसेंटली देखा होगा कश्मीर का जो टूरिज्म सेक्टर बहुत बढ़िया ग्रो किया है, बट जम्मू को कहीं ना कहीं निगलेक्ट किया जा रहा है। मैं बस गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहता हूं कि जम्मू को भी कंसीडर किया जाए, क्योंकि जम्मू में भी बहुत पोटेंशियल है टूरिज्म का। लेकिन जैसे सुरिंसर लेक है, हमारे राजा जी का महल है, तो अगर हम थोड़ा सा जो है फंड इस तरफ डेवलप किया जाए तो जम्मू में भी टूरिज्म जो है फ्लो बढ़ सकता है। जैसे ये शॉल्स है, कंबल है, इन पे भी आपको लगता है कि जो ड्यूटी है या टैक्सेस है वो कम होने चाहिए ताकि ज्यादा जो है लोग खरीद सके? हाँ जी, बिल्कुल एग्जैक्टली, जो शॉल है, ब्लैंकेट्स हैं, उन पे ड्यूटी जो है वो कम होना चाहिए, जो जीएसटी है वो कम होना चाहिए। क्योंकि जो है ये यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग है, अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा और यहाँ की स्पेशलिटी है जो हैंडवर्क है, जो फैब्रिक है, अगर हम उसको इम्पोर्टेंस देंगे तो टूरिज्म जो यहाँ पे अगर सस्ता मिलेगा टूरिस्ट को, वो यहाँ से यही चीज पिक करेगा। सर, डेफिनेटली हम चाहते हैं कि जैसे हमारे को पता है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो मोदी सरकार है वो इस चीज पे बिलीव भी करती है कि स्मॉल स्केल और एमएसएमई को डेवलपमेंट की जरूरत है,
और सिमिलरली जो हमारे जितने स्मॉल स्केल बाजार या जो ये छोटे छोटे बाजार जो डायरेक्ट रिटेलर्स हो गए हम कह सकते हैं या सेमी होलसेलर्स हो गए, ये बहुत ज्यादा इस बारी उम्मीद कर रहे हैं बिकॉज आई थिंक सबसे ज्यादा ये सेक्टर अभी डिस्टर्ब्ड है। और ये आई थिंक सबकी जानकारी में भी हम देख सकते हैं कि आप देख सकते हो कि हमें इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट डेफिनेटली बाकी सारे स्केल्स ऊपर हुए होंगे, गवर्नमेंट सेक्टर इंप्रूव हुआ है, हमारा मीडियम स्केल इंडस्ट्री इंप्रूव हुई होगी, बट जो छोटे छोटे बिल्कुल कारोबारी हैं वो बहुत खत्म हुए और बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। अगर ये ग्राउंड रियलिटी देखी जाए, ये बहुत जरूरी है कि इनको इस बजट में हमारे लिए कुछ ना कुछ ऐसा देना चाहिए जिससे जो छोटे रिटेलर्स और छोटे शॉपकीपर्स हैं वो अपने आप को एम्पावर्ड फील करें इस गवर्नमेंट में, क्योंकि इन लोगों यही वो लोग हैं जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया और हम इनडायरेक्टली डायरेक्टली बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। आज की डेट में हम लोगों के लिए डिफिकल्ट हो गया है कि उस स्टाफ को सस्टेन करना और अपनी सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करना, कुछ ना कुछ ऐसे पैकेजेस लाने जरूरी है ताकि यहाँ मार्केट है, ड्राई फ्रूट जितने भी यहाँ पे पिलग्रिम्स आते हैं वो यहाँ से अखरोट बादाम जम्मू में शॉपिंग करते हैं, इस पे आप चाहेंगे कि जो रेट्स हैं वो किस तरह से कम हो सकते हैं, किस तरह से सहूलियत मिल सकती लोगों को? उसमें यही है कि ये एक हमारी जो क्रॉप है ना, सीजनल क्रॉप होती है, तो इसमें एक तो पहले से ही स्टोर करके रखना पड़ता है कि पूरा साल हमने बेचना होता है, एक ही बारी ये निकलता है, तो इसके ऊपर अभी गवर्नमेंट ने जीएसटी काफ़ी ज़्यादा इसमें वो लगा दिया हुआ है। हम उसमें चाहेंगे कि थोड़ा जीएसटी में हमें थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए कि जीएसटी इसमें थोड़ा कम किया जाए ताकि जो बाहर से जो लोग यहाँ पे आते हैं तो उनको हम बड़े एक अच्छे से रेट्स के ऊपर हमको प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि अगर वही रेट उनको बाहर भी मिल जाते हैं, अभी कंपटीशन इतना है कि टर्की से भी अखरोट आ रहा है, कोई चाइना से अखरोट आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो कश्मीर का अखरोट है वैसे तो ये अच्छा होता है, यहाँ के जो ड्राई फ्रूट है वो उनसे टेस्ट में और क्वालिटी में अच्छा होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका रेट जैसे पीछे जीएसटी की वजह से 100-100 रुपये किलो का रेट बढ़ गया, तो उसमें हम चाहते हैं कि यहाँ तो इसको वेव ऑफ किया जाए जीएसटी, नहीं तो एक नॉमिनल सी जीएसटी लगा के ताकि इसके रेट थोड़े कम हो, क्योंकि कितने ही पिछले 40-50 साल से ये एक प्रथा बनी हुई है कि लोग वैष्णो देवी जाके दर्शन करते हैं, उसके बाद वो जो है रघुनाथ जी के मंदिर में आएंगे, यहाँ पे सेकेंड उनका स्टॉप होता है, और फिर वो रघुनाथ बाजार में आके तो यहाँ से जो मेवे हैं, यहाँ की जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उसको लेके जाते हैं और वो प्रसाद के रूप में अपने सारे आस पड़ोस में अपने रिश्तेदारों में उन्हें बांटते हैं, जिससे कि यहाँ बड़ा अच्छा बिजनेस जम्मू में कटरा में यहाँ बड़ा अच्छा जो ड्राई फ्रूट का है वो बिजनेस है। सिर्फ गवर्नमेंट से यही है कि इसमें थोड़ा सा जीएसटी जो है उसको कम किया जाए। ड्राई फ्रूट की मार्केट जो सबसे बड़ी जो है बैकबोन है जम्मू की इकोनॉमी की, तो इनको उम्मीदें हैं तमाम। हमने बात की शॉल वालों से, बात की ड्राई फ्रूट वालों से, बात की क्योंकि रघुनाथ बाजार जो जम्मू का है यहाँ पे सबसे ज्यादा श्रद्धालु आते हैं, जो टूरिज्म को बढ़ावा देने में एक अहम योगदान देते हैं, और इनकी ये मांग है कि हुकूमत इसकी ओर ध्यान दे, जीएसटी कम करे इन सामानों के ऊपर ताकि ये भी सस्ते दामों पे श्रद्धालुओं को सामान बेच पाए। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। आगे बढ़ेंगे खबरों में। संसद में अपने पहले अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म किया, सबका साथ सबका विकास हमारा मूल मंत्र है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की पांचवीं अर्थव्यवस्था है और विश्व की नजर भारत की ओर है। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर आतंकवाद पर कठोर प्रहार तक, एलओसी से लेकर एलएसी तक, हर दुस्साहस के कड़े जवाब तक आर्टिकल 370 को हटाने से लेकर तीन तलाक तक मेरी सरकार की पहचान एक निर्णायक सरकार की रही है। वहीं संसद में अपने पहले अभिभाषण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कश्मीर को भी रेलवे से जोड़ा जा रहा है। रेलवे अपने आधुनिक अवतार में सामने आ रही है और देश के रेलवे मैप में अनेक दुर्गम क्षेत्र भी जुड़ रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस
के रूप में एक आधुनिक और सेमी हाई स्पीड ट्रेन भारतीय रेल का हिस्सा बन चुका है। जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के दुर्गम क्षेत्रों को भी रेलवे से जोड़ा जा रहा है। देश के बड़े रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है। भारतीय रेलवे का दुनिया का सबसे बड़ा बिजली से चलने वाला रेलवे नेटवर्क बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। भारतीय रेल को सुरक्षित बनाने के लिए स्वदेशी टेक्निक कोबोच का भी हम तेजी से विस्तार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को पूरे तरीके से फेल बताते हुए उन पर निशाना साधा है। जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रवक्ता एडवोकेट आरएस पटेल ने कहा कि राहुल गांधी को जनता का कोई समर्थन नहीं मिला है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो गई है, लेकिन इस यात्रा के बाद सियासत बहुत तेज हो गई है, खासकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं इस यात्रा के ताल्लुक से। कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी डर गई है, जो एल टेंशन एक नेता के तौर पर राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया जा रहा था, अब वो नहीं कर सकते हैं। जो उनके ताने होते थे, सियासी ताने, वो अब नहीं दे सकते हैं। इस पर बात करने के लिए बीजेपी के स्पोक्स पर्सन और सीनियर लीडर हैं एडवोकेट आर एस पठानिया। बीजेपी कांग्रेस ये कह रही है कि अब आप उनको काम ही नहीं दे सकते, आप उनको एयर कंडीशन नेता कहते थे, ग्राउंड से जुड़ा हुआ नेता मानते ही नहीं थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस यात्रा ने दिखा दिया कि वो ग्राउंड में है। उन्होंने इतनी तकरीबन 4000 किलोमीटर की यात्रा की, अब तो आप नहीं कुछ बोल सकते। देखें, कोई भी राजनीतिक एक्सरसाइज करे, फिर वो राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ही क्यों ना हो और एक्सरसाइज के नाम पे भारत जोड़ो यात्रा ही कोई ना हो, हमारा मानना था दी इशूलेस, पर्पजलेस, एजेंडालेस कांग्रेस हैव स्टार्टेड ए यात्रा विच आर मोर और लेस राहुल गांधी जी और उनके परिवार को जोड़ने के लिए, पार्टी को जोड़ने के लिए नहीं है। ये यात्रा कोई एक मैसेज देने में कामयाब नहीं रही है, ना ही क्राउड अट्रैक्ट कर पाई है। करें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, करना चाहिए। वी ऑल्सो वॉन्ट की एक हेल्दी अल्टरनेटिव, जिसे कहते हैं एक अच्छा एक सोच लोगों के बीच में उभरे, जिससे हमें भी थोड़े काम करने में अच्छी पॉलिटिकल पार्टी भी तभी काम कर सकती है जब एक अपोजिशन भी एक हेल्दी रहे। लेकिन ये यात्रा, मैंने कहा कि एक तो फॉरेस्ट गंप का एक पहला रीमेक लाल सिंह चड्ढा था और दूसरा रीमेक ये भारत जोड़ो यात्रा है। और जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी जहाँ भी जाते हैं पीछे से उन्हें फीड किया जाता है, वो कुछ लोकल इश्यूज को डिग करते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर को लेके हमने जो विषय उठाए उन पे राहुल गांधी बार बार, आप जैसे पत्रकार मित्रों ने उनसे सवाल पूछे, लोग स्टैंड जिसे कहते हैं स्पष्ट नहीं कर पाए। पहला तो धारा 370 को लेके कांग्रेस ये नहीं कह पाई कि क्या वो धारा 370 के साथ है या उसके रिवोकेशन के साथ है। हमारा मानना है कि पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के विरोध, पुरजोर विरोध के बावजूद ये जो प्रावधान भारतीय संविधान में लाया गया, जिसकी वजह से आज तक पूरे जम्मू कश्मीर में एक अराजकता और जिसे कहते हैं एक 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 ऐसी एक जिसे कहते हैं सेशनिज्म की एक स्पिरिट आज तक, जिसने आज तक जम्मू कश्मीर को खा, ये ऐसा आर्टिकल था जो देता कुछ नहीं था, जो सिर्फ लेता था जम्मू कश्मीर से। राहुल गांधी ने सीधा चैलेंज किया, उन्होंने कहा अमित शाह जरा आए यहाँ पे, अगर वो कहते हैं सिक्योरिटी के पूरे हालात ठीक हैं, टारगेट क्लियर हो रही है, माउंट ब्लास्ट, वो खुद क्यों नहीं आते? उन्होंने चैलेंज दिया, ओपन चैलेंज दिया बीजेपी को कि बीजेपी के लिए इस तरह से यात्रा करें। सबसे पहले राहुल गांधी खुद तो चले और उनकी बहन जी भी उनके साथ जिसे कहते हैं कश्मीर की बाजारों और गलियों में जिसे कहते हैं खेला खेली की, उन्होंने उसके साथ स्नो के साथ खड़ा ठीक थे तभी की ना। दूसरा, कांग्रेस के राज में आज तक किसी भी यात्रा को, चाहे मुरली मनोहर जी आए, चाहे अनुराग ठाकुर जी आए, उस यात्रा को चलने नहीं दिया गया जम्मू कश्मीर से, कहा गया कि सिक्योरिटी ठीक नहीं। इस यात्रा को कहीं भी किसी भी शक्ल में, हालांकि कश्मीर जैसे सेंसिटिव जिसे कहते हैं क्षेत्र में विदाउट बुलेट प्रूफ के राहुल गांधी पूरे क्षेत्र में, इसका मतलब सिक्योरिटी में नेचुरली इम्प्रूव है। सवाल है जो राहुल गांधी ने कहा, उन्होंने कहा कि जो नॉन बीजेपी पार्टीज हैं, और आपने देखा कि महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, बाकी जितने भी लोग हैं वो उनके साथ चले भी, बैठे भी, बातचीत भी की, यात्रा में भी शामिल, तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है जम्मू कश्मीर में कि जो नॉन बीजेपी पार्टीज हैं वो इकट्ठे हो रही? आपने रिलेवेंट सवाल पूछा, क्योंकि इस यात्रा का जो कंक्लूजन श्रीनगर में प्लान किया गया था और कहा, यह भी कहा गया था कि अपोजिशन यूनिटी को एक नए तरीके से, एक नया अवतार उसका क्रिएट किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको उन्होंने स्किप किया, इसके जो लास्ट डे के फंक्शन को,
नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कोई छिटपुट संगठन जिनका कोई जिसे कहते हैं एमपी भी नहीं है पूरे राष्ट्रीय स्तर पे। और अगर महबूबा मुफ्ती के साथ कांग्रेस खड़ी है तो जवाब दे जो कहते हैं धारा 370 जाएगा तो यहाँ देश का झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। अगर उमर अब्दुल्ला के साथ खड़ी हैं, फारूक अब्दुल्ला के साथ खड़ी हैं जो कहते हैं कि हमें चीन की मदद चाहिए धारा 370 के लिए, सबसे पहले धारा 370 पे कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे। कांग्रेस पहले पीएजीडी की मीटिंग में जाती है, फिर पीएजीडी की मीटिंग को बाइकआउट करती है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस में अपना एक इनर कॉन्फ्लिक्ट है, लैक ऑफ क्लैरिटी है उसमें। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो अपोजिशन यूनिटी की जो बात थी वो तो एक बलून की तरह बस्ट हो गया। मीटिंग से बात करने के लिए शुक्रिया। एडवोकेट आरएस पठानिया साहब कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी की जो बातें हैं उसमें कोई दम नहीं है, बीजेपी कमिटेड है लोगों के वेलफेयर के लिए। जो अपोजिशन यूनिटी की बात हो रही थी वो भी अब कहीं दिख नहीं रही है और कांग्रेस फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रही है। इसी के बाबत जो राहुल गांधी हैं वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं लेकिन उनमें कोई दम नहीं है। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर, न्यूज 18 जम्मू। और खबरें अभी बाकी हैं लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जम्मू स्थित सभी आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों ने अपने बच्चों के साथ राजभवन जम्मू के पास शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। वो सभी जम्मू आधारित आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों के लिए एक व्यापक स्थानांतरण नीति की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा वो अपने वेतन को तत्काल जारी करने की भी मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वो लंबे समय से पीड़ित हैं। इस समय हम जम्मू के गवर्नर हाउस के पास यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर 35 इलाके में जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज जो हैं वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। दरअसल पिछले 250 दिनों के आसपास से लगातार जो ये एम्प्लॉयज हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि इनके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो बनाई जाए, जिसके बाद आज बुजुर्गों को और बच्चों के साथ ये यहाँ पहुंचे हुए हैं और उनकी मांग है कि जल्द से जल्द इसको जो है एक ट्रांसफर पॉलिसी इनके लिए बनाई जाए ताकि जो कश्मीर घाटी में लगातार जो जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उन्हें यहाँ पर जम्मू में अपने घरों में भी रहने का मौका मिल सके। और इसके अलावा वो चाहते हैं कि जम्मू में जो है सभी लोगों को ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि कश्मीर घाटी में सरकार कह रही है अगर कि पूरी तरह से हालात ठीक हैं तो हम जाने के लिए तैयार हैं, पर अगर ट्रांसफर पॉलिसी बनती है तो उससे सभी लोगों को बेनिफिट जो है वो होगा और इन जो एम्प्लॉयज हैं उनको कहीं ना कहीं एक राहत मिलेगी। पिछले कई दिनों से लगातार प्रदर्शन जो है वो इनका और आज एक बार फिर से ये जम्मू के गवर्नर हाउस के बाहर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे पहले हम जितने भी हमारे यहाँ पुलिस कर्मचारी हमारी भाई बहन है, मैं इनका आपके चैनल के माध्यम से मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये कम से कम यहाँ हमें खड़े तो होने दे रहे हैं। मैं इन पुलिस भाइयों से बहनों से ये कहती हूँ कि मैं एक डोगरों की बेटी हूँ, मैं उस डोगरा समाज की बेटी हूँ जिस डोगरा समाज की बेटी रजनीवाला का स्कूल के अंदर जाकर मार दिया जाता है और प्रशासन ये तक शाम तक मेरे इस चीज की पुष्टि नहीं करवा पाया कि ये लड़की कौन थी। और सेम उसी सेक्शन में हम लोग खड़े हैं, हम ड्यूटी गोली के निशाने पे खड़े हैं, हमारे पास बाहर रहने के लिए गवर्नमेंट की कोई नहीं है। हमेशा बात करते हैं पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, इनको अकोमोडेशन देंगे, इनको प्रमोशन देंगे, इनकी बस फिर प्रमोशन लागू करेंगे, इनको क्वार्टर देंगे। हम नहीं कहते कि आप उनको क्यों दे रहे हो, लेकिन भाई अगर हम भी हार जोड़ में काम कर रहे हैं, हमने तो आपसे कुछ नहीं मांगा, हमने आपसे सिर्फ एक ट्रांसफर पॉलिसी मांगी है। हमारी ट्रांसफर पॉलिसी जो एक हमारा मतदाता अधिकार है कि अगर इनसे रिक्रूटमेंट पॉलिसी है तो ट्रांसफर पॉलिसी का जो क्लास पिछले 15 साल से मिसिंग था, जो आपने खुद माना है कि होनी चाहिए, हमारी डिमांड को आपने कंसिडर किया, जस्टिफाई माना, लीगल माना, वैलिड माना और उसी को पूरा करने के लिए आपने का गठन किया। कमेटी बनाए हुए 7 महीने से ज्यादा समय हो गया है। आपने 26 जनवरी जिस दिन पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था एक पावन अवसर पर आपने ये बयान दिया कि मेरे जो जम्मू के एम्प्लॉयज है जो मैंने उनसे वादा किया है, कमिटमेंट की है, हम पूरा करेंगे। लेकिन एलजी साहब आप सीधे जो हमारी डिमांड को लेकर आप पूरा करोगे, हमें आपसे भरोसा है, लेकिन हमारी सैलरी तो मीट कीजिए। अगर आप वादा दे रहे हो वादा पूरा करने पे काम करोगे, सैलरी क्यों बंद की है? ये पूरे पूरे माँ बाप है, ये बच्चे हैं। हम यहाँ पे इसीलिए आए हैं ताकि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको ट्रांसफर पॉलिसी मिले, क्योंकि जिस तरीके से वो पहले आए उनका 245 डेज होते हो गए आते हुए, उन्हें अब मजबूरन बच्चों को भी लाना पड़ा है। कुछ बच्चे आते थे, जो बच्चे अपने माँ बाप के बगैर नहीं रह सकते वो बच्चे आते भी हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं आते उन्हें भी आ जाना पड़ा है, क्योंकि एलजी सर हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। एलजी सर को बच्चों की बात सुननी पड़ेगी कि हमें एक ट्रांसफर पॉलिसी चाहिए,
बस हमारी यही अपील है उनसे। आज मैं यहाँ अपने पेरेंट्स को और बाकी सब लोगों को जो यहाँ पे प्रोटेस्ट है उनको सपोर्ट करने आई हूँ। हमारी मांग है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी ट्रांसफर हो जाए उनकी होम डिस्ट्रिक्ट में। तो साफ तौर पर पिछले 245 दिनों से भी ज्यादा लगातार प्रदर्शन कर रहे इन एम्प्लॉइज की मांग है कि जल्द से जल्द एक ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए, और आज इसीलिए ये बच्चों और बुजुर्गों के साथ जम्मू के राजभवन के बाहर यहां पर पहुंचे थे। और इनकी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द इनके लिए फैसले और ट्रांसफर पॉलिसी का गठन करे, ताकि जो एक प्रॉब्लम लगातार इन लोगों को आ रही है कश्मीर घाटी में, अगर इस तरह से हालात बनते हैं तो उससे कहीं ना कहीं इनको राहत मिल सके। नेटवर्क एंडिंग के लिए जम्मू से मैं रजत बोरा। आगे बढ़ेंगे और हिमाचल की खबरों का रुख करेंगे। चंडीगढ़ जा रही पंजाब रोडवेज की बस रानीताल के पास हादसे का शिकार हो गई है। ज्वालामुखी से पहले ही बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 7 यात्री जख्मी हैं। अगर बस पेड़ से टकराकर नहीं रुकती तो बस पलट भी सकती थी। दुर्घटना की वजह शिमला से मटौर नेशनल हाईवे पर जो काम चल रहा है वो बताया जा रहा है। सड़क पर पड़ी मिट्टी से फिसलन है जिससे बस भी फिसल गई। यहाँ आने वाली अन्य गाड़ियों को भी इस फिसलन का सामना करना पड़ता है और लगातार यहाँ पर हादसों का डर बना हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पंजाब रोडवेज की। एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। चंडीगढ़ की ओर ये बस जा रही थी जिस वक्त हादसे का शिकार हुई। ज्वालामुखी के पास बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, और अगर बस पेड़ से ना टकराती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था, बस पलट सकती थी। साथ ही दुर्घटना की वजह जो निकल कर आई है वो सड़क का काम के चलते जो बजरी वहां पर पड़ी हुई है उसकी वजह से सड़क पर फिसलन हो गई है, जिस वजह से ये बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई है। हमीरपुर के 3 पंचायत में डायरिया से हाहाकार मचा हुआ है। बीते दिन से 4 दिनों में करीब 900 लोग डायरिया के चपेट में आ चुके हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की कई टीमों ने गांव में तैनाती दी है। सीएम के राजनीतिक सलाहकार सुनील बिट्टू ने भी कई गांव में पहुंचकर लोगों का हाल जाना। बताया जा रहा है कि गांव में सप्लाई हो रहे पानी की वजह से ये बीमारी फैल रही है। हमीरपुर के 47 गांव में हाहाकार, 900 से ज्यादा लोग डायरिया का शिकार, घर घर दवाइयां पहुंचाने में जुटी सरकार। ये है मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील बिट्टू, जो शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ हमीरपुर के उन गांवों में पहुंचे जहां डायरिया ने अपना कहर बरपा रखा है। गांव में पैदल पहुंची टीम ने घर घर जाकर मरीजों को देखा, उनका हाल जाना, परेशानियां समझी और जरूरी दवाएं और सुझाव भी दिए। अब हमारी सोच ही बनती जा रही है कि हम अपने लोगों को कैसे सजग करें, उन पानी के जो बॉडी है, कुएं हैं, उनको हम कैसे संभाल के रखें, उसके पानी, पीने के पानी का हम कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं, इसके ऊपर भी योजना बनाई जाएगी, ताकि पीने का पानी, चाहे वो कोई हमारी पीने के पानी की योजना है, चाहे वो बोरी है, चाहे वो कुआं है, कुल मिलाकर के ये सभी पीने के पानी के स्रोतों को फिर से कंट्रोल किया जाएगा और अच्छी से अच्छी सुविधा जो है पीने के पानी की लोगों तक पहुँचाई जाएगी। डायरिया से त्रस्त मरीजों को देखने पहुंचे सीएम के पॉलिटिकल एडवाइजर सुनील बिट्टू को पानी की योजनाओं पर इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि दावा किया जा रहा है कि रंगस, कंड्रोला और जोलसप्पड़ पंचायत के गांव में डायरिया का कहर सप्लाई वाले पानी की वजह से टूटा है। लोगों के मुताबिक गांव में जो पानी सप्लाई हो रहा था वो गंदे गड्ढों से निकलकर बिना फिल्टर किए आ रहा था, जिसको पीने से लोगों की ये हालत हुई है। पानी साफ हो गंदा गंदा हो कारण पानी है, गंदा पानी जो ये न्याटी मझार स्टीम है इसका पानी ठीक नहीं है, साफ नहीं पानी, पता नहीं कोई केमिकल है क्या है इसमें। की है कल शिकायत, दवाई वगैरह डाल रहे हैं और टैंक को है नहीं पानी, वो काफ़ी नीचे चला गया है प्रेशर की वजह से, तो
पुल निकाल कर ना बीच में डाल रहे हैं, पानी ठीक नहीं आ रहा हो। हालांकि बीमारी की वजह पानी ही है या फिर कुछ और, इसके लिए लैब रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, मगर प्रशासन की तरफ से अब गांव में फिल्टर पानी की सप्लाई शुरू कर दी गई है और ग्रामीणों से पानी उबालकर पीने की सलाह दी जा रही है। और इसके अलावा जो है प्रिकॉशनरी तौर पे जो है जो हमारे वाटर सप्लाई स्कीम्स है उस एरिया में 3-4, उन सभी की जो है वाटर सैम्पलिंग जो है वो की जा रही है और साथ में उनकी जो है थरो क्लीनिंग और उनकी जो साफ सफाई है उसके लिए भी जल शक्ति विभाग को डायरेक्शंस दे दिए हैं और वो भी उसी दिन से जो है स्टार्ट कर दी गई है। साथ ही लोगों को आईसी में खासकर बार बार बोला जा रहा है उस सभी एरिया में कि पीने का पानी जो है वो उबाल के पिए, क्योंकि अक्सर जो है इस तरह की इम्प्योरिटीज कहीं ना कहीं खाने या पानी में जब आती है तभी उससे स्प्रेड होती है। प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की कई टीमें भी गांव-गांव घूमकर मरीजों का पता लगा रही है और उन्हें मुफ्त दवाओं के साथ साथ डॉक्टरी सलाह भी दी जा रही है। जसबीर कुमार, न्यूज 18, हमीरपुर।